वहां जेएनयू जाने के लिए दीपिका पादुकोण को मिले थे 5 करोड़ रुपए। टीम कंगना रनौत ने साधा दीपिका पादुकोण पर निशाना। टीम ने सबूतों के साथ दीपिका को एक्सपोज किया। बताया कि दीपिका ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत को किया बॉयकॉट। वेल, साल 2020 की शुरुआत में ही दीपिका का जेएनयू जाना कॉन्ट्रोवर्सी बन गया था। इस मुद्दे को गुजरे कई महीनों बाद दीपिका आज फिर खबरों में छाई। सोशल मीडिया पर फिर ट्रेंड होने लगी दीपिका। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर आरोप है कि उन्होंने जेएनयू जाने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए थे और ये आरोप लगाया एक्स रॉ एजेंट एनके सूद ने। रिपोर्टेडली उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन अनिल मुशर्रत के कहने पर जेएनयू प्रोटेस्ट में गई थी, जिसके लिए उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। दीपिका पर लगे इन संगीन आरोपों पर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी जांच कर रही है। दीपिका के साथ साथ एनके सूद ने सोनम कपूर का भी नाम लिया है। सूद ने ये भी दावा किया है कि सोनम कपूर ने भी मुशर्रत की वजह से ही एंटी सीएए प्रोटेस्ट के सपोर्ट में ट्वीट किया था। रिपोर्टेडली सूद के मुताबिक अनिल कपूर के साथ मुशर्रत के 25 साल के फैमिली रिलेशन है। वो अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर की शादी में भी आए थे। वेल, इस खबर के वायरल होते ही टीम कंगना रनौत की ओर से एक चौंका देने वाला ट्वीट आया है, जिसमें टीम ने दीपिका की एक फोटो अनिल मुशर्रत के साथ शेयर की है और लिखा है कि दीपिका और रणबीर ने पाकिस्तानी एजेंट और जेएनयू साजिश को रचने वाले को अपनी शादी में बुलाया था, लेकिन दो सितारों को बॉयकॉट किया। एक ने दुनिया को अलविदा कह दिया और दूसरी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। तो क्या आप टीम कंगना रनौत ये कहना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन में दीपिका पादुकोण कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, या फिर वो लोगों को ये बताना चाहती है कि दीपिका को वाकई में जेएनयू विजिट के लिए 5 करोड़ रुपए मिले थे? इस खबर पर बॉलीवुड नाउ किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं देता। ये एनके सूद और टीम कंगना रनौत के हवाले से न्यूज है। इस स्टोरी पर आप जो भी सोच रहे हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।